बहुत अच्छी दवा है अपने घर में, अदरक का रस 1 चम्मच, पान का रस 1 चम्मच और शहद 1 चम्मच, ये तीनों मिला के हल्का गर्म करके सवेरे पीना। खांसी भी ठीक होगी, बलगम आना भी बंद होगा। काबुली से काबुली है काबुली से मोड़ गाँव होते हैं घर में मोड़ जाता है ना अपना हो तो दुकानों में बिकता है क्या वो फायदेमंद हो। दुकानों में जो बिकता है वो गोमूत्र अर्क है और वो गोमूत्र अर्क ऐसा होता है गाय का मूत्र गर्म करके उसकी जो वाष्प होती है वो इकट्ठी करते हैं फिर उसको ठंडा करके बोतल में भर के आपको बेचते हैं। तो ये जो गोमूत्र अर्क है ये गोमूत्र से अच्छा नहीं है, जो सबसे अच्छा है वो गोमूत्र ही है। लेकिन अगर आपको किसी कारण से गोमूत्र नहीं मिल पाता तो आप ये अर्क पी सकते हैं। लेकिन ये जो अर्क है ना ये आंख में नहीं डाल सकते, ये बस पी सकते हैं। और गोमूत्र है वो सीधे आंख में भी डाल सकते हैं, कान में भी डाल सकते हैं, ये ले सकते हैं। और आधा कप गोमूत्र पायरिया कैसे हो? पायरिया के लिए नमक ले लो, हल्दी ले लो और सरसों का तेल, तीनों बराबर मात्रा में मिला के मसूरों पे हल्के हल्के मालिश कर दो और 1 घंटे बाद फिर कुल्ला करो। 4 महीने के बच्चे हैं लेकिन उसको थोड़ा सा सर्दी लगता है तो अस्पताल में एडमिट करना पड़ जाता है, उसके लिए आप उस बच्चे को तो कुछ मत करो, उसकी माँ को कहो कि वो रोज चूना खाए। माँ बच्चा दूध पीता है माँ का जी, तो माँ को कहो कि वो चूना खाए दही में जी, तो फिर वो बच्चे को मिल जाएगा। भ्रांति को थोड़ा सा दूर करें। देखिए गोमूत्र जो गाय के शरीर में 2 फिल्टर लगे हुए हैं उसको हम किडनी कहते हैं, तो वो दोनों फिल्टर से गुजर के ही वो मूत्र आता है। तो शरीर से जो मूत्र आता है वो सीधे भी आप पी सकते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में वहम रहता है तो उसको कपड़े से छान लीजिए, तो आप चाहे तो छान लीजिए और ना चाहे को तो सवाल पूछना हो बहनों में बहुत कम तो अपना सवाल रख सकेंगे। बहनों में बहुत कम पूछे सवाल बहनों में से पीछे से गर्म पानी पी के सो जाए, सुबह उठते ही पेट साफ हो। तो ये अजवाइन और गुड़ खिलाओ, आधा चम्मच अजवाइन 1 चम्मच गुड़ रात को खा के सो, गर्म पानी के साथ सुबह उठते ही पेट साफ हो। आपको तीसरो पहर बीत गयो काबू बैटिंग नहीं कर रहे प्राणायाम योग करने से ही सब लोग का निदान होगा। आप सब सुन रहे हैं, सब आते ही शुरू कर देंगे, नहीं करने वाले होंगे और भी कर देंगे। सर बता 3 साल जो बातें हो गया था बाकी जो मेरे पेट संबंधी बीमारी है वो ठीक हो पा रहा है और मैं रोज थोड़ी अजवाइन खा रहा हूँ। अजवाइन को दर्रे में भून के शीशे में भर के रखो और भोजन के बाद आधा चम्मच अजवाइन और काला नमक मिला के खाया करो, तो ये आदत आप डाल दोगे तो फिर ज्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी दवा है गाय का मूत्र और पुदीने का पत्ता गोमूत्र में पीस उसकी चटनी लगा, बहुत अच्छी दवा। दूसरी एक दवा है सड़ा हुआ केला, केला जब सड़ जाता है काला काला हो जाता है उसको लगा, उससे भी सोरायसिस ठीक है। सर क्या है मेरी पत्नी को पाकिस्तान में गांठ हो गया है तो उसको कचना दूंगी का नहीं क्या नाम है चमन चमन नाम बढ़िया नाम
सबसे पहले हम ही लोग दिन तो दिए डायबिटीज पेशेंट को साथ में खाएंगे नुकसान नहीं करेगा। ये जो शहद होता है बस माताओं ने नहीं पूछा, एक सवाल में इंतजार कर रहा था, पूछते तो अच्छा, मैं खुद ही बता देता। जब माताओं को मासिक धर्म में दर्द बहुत होता है, सभी बहनों को बहुत दर्द होता है मासिक के समय में दो तीन दिन, उसकी सबसे अच्छी दवा है गाय का घी। आधा गिलास खौलता हुआ पानी और उसमें एक चम्मच गाय का घी मिला। ये माताएं सबको बताएं, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है, दर्द इतना होता है कि बहुत सारी माताएं बहनें तड़पती रहती हैं और वो जल्दी किसी दवा से बंद नहीं होता, कर वो गाय के घी से ही बंद होता है। खौलता हुआ पानी आधा गिलास उसमें। और उनको हमेशा सर्दी और जुखाम हो जाती है, उन्हें क्या करना चाहिए? अगर वो छेद उनको जन्म लेने के बाद हुआ है या जन्म से है, ये मुझे बता दीजिए। उसका डायग्नोसिस अभी हुआ है? नहीं, वो डायग्नोसिस में डॉक्टर ने का है ये बात का ये लिखा होगा, उसमें जरूर रिपोर्ट में लिखा होगा कि वो बाई बर्थ है और या बाद में हुआ। अगर वो बाद में हुआ है तो उसके लिए दवा बहुत आसान है, जिसको मैं बताया, चूना खाएं दही में रोज, तो फिर उसके लिए घर में इलाज में। अभी वो कैसे चालू कर देती लाना, उसके लिए कोई गंभीर इलाज करना चालू। अच्छा, नीचे बटन दबा ले ए जू में आई से मेरा बात के से फोटो ए एक ही वर्ष की बच्ची है, उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ओ, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चों को आप मेरे वहाँ हरिद्वार भेज दीजिए, वो घर में ठीक नहीं हो, छः साल लगेगा, धीरे धीरे ठीक होगी, तो उसको आप वहाँ हरिद्वार भेजिए तो अच्छा। धन्यवाद। अब भैया अगर हर एक घंटे में पेशाब लगता है तो खून की जांच करा लो, कहीं शुगर तो नहीं, क्योंकि जब शुगर बढ़ जाती है ना तो हर जल्दी जल्दी पेशाब आता है, और अगर शुगर बढ़ी हुई है तो वही दवा खाओ जो मैंने बताई थी, मेथी दाना, तेज पत्ता, फिर जामुन की गुठली का पाउडर और फिर बेल पत्र को सुखा के बनाया हुआ पाउडर भी आता है, तो खजूर वाकई में दर्द पैर दर्द करते हैं तो ठीक है। और तीसरी अच्छी दवा है गोमूत्र पी लो, वो ठीक हो जाए। सर प्रणाम, आपको मेरे टीवी के माध्यम से भारतीय कृषि व्यवस्था के बारे में सुना था, जो सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, उसके बारे में कम से कम 5 मिनट आप बोलिए। खेती कितने किसान करते हैं यहाँ पर? मेरे हिसाब से सभी लोग करते हैं। अगर आप खेती करते हैं तो उस विषय पर मैंने 3 घंटे का एक व्याख्यान दिया था थोड़े दिन पहले, उसको पूरा तो नहीं सुना सकता, समय की कमी है, लेकिन उसमें जो जरूरी बात है वो बताना चाहता हूँ कि हम खेती करते हैं तो अच्छा उत्पादन लेने के लिए और हमारी खेती की मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए हम यूरिया डीएपी ना डालें। ये जो यूरिया डीएपी होता है ये खेत की मिट्टी को ख़राब करता है और धीरे धीरे मिट्टी इतनी ख़राब हो जाती है कि उसमें कुछ भी पैदावार नहीं होती। भारत में पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे 17 राज्यों में लाखों एकड़ खेत बर्बाद हो गए यूरिया के कारण, डीएपी के कारण। तो मैंने उस व्याख्यान में ये बोला था कि हम यूरिया डीएपी ना डालें और खेत में फिर क्या डालें, यूरिया डीएपी तो ना डालें, उसके स्थान पर एक खाद बनाकर आप अपने खेत में डालें। तो वो खाद बनाने का मैंने फॉर्मूला एक बताया था, वो आप चाहें तो लिख सकते हैं, 15 किलो गोबर गाय का या तो बैल का या तो भैंस का और 15 लीटर मूत्र गाय का, बैल का या तो भैंस का, दोनों मिलाएं, एक प्लास्टिक के ड्रम में रखें
और इसमें 1 किलो गुड़ मिला है, गुड़, और 1 किलो चने की दाल का आटा मिला है, बेसन, और 1 किलो पुराने पेड़ के नीचे से खोदी हुई मिट्टी मिला है, 15 किलो गोबर, 15 लीटर मूत्र में रखे हैं 15 दिन के लिए। 15 दिन में ये खाद तैयार हो जाती है। 15 दिन बाद इसमें 150 से 200 लीटर पानी मिला है, और ये है तो पानी के साथ उसको मिला दे, पानी के साथ वो खेत में चला जाए, और इस तरह से हर 15 दिन में 1 दिन आपको ये खाद देना है। अब 3 महीने की फसल में 6 बार दे दो, 4 महीने की फसल में 8 बार दे दो, इस तरह से आप खाद लगाओ तो यूरिया डीएपी का खर्चा बचेगा और पैदावार बहुत अच्छी आएगी। गेहूं की फसल में, धान की फसल में, सभी तरह की फसल में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, सब्जियों की फसल में भी ये काम आती है। तो ये मैंने एक फॉर्मूला बताया था जब टीवी पर व्याख्यान दिया है। और एक दूसरा है कि अगर कीड़े लग जाए आपकी फसल पर तो कीड़े मारने की दवा आप अपने घर में ही बनाओ। वो कैसे बनेगी, 20 लीटर मूत्र ले लो गाय का, बैल का, भैंस का, और इसमें 2-2.5 किलो नीम के पत्ते पीस के डाल दो, और 2-2.5 पत्र के पत्ते पीस के डाल दो, 2-2.5 किलो सीताफल के पत्ते पीस के डाल दो, 1/2 किलो तंबाकू पीस के डाल दो, 1/2 किलो लहसुन पीस के डाल दो, 1/2 किलो तीखी मिर्च पीस के डाल दो, ये सब पीस के 20 लीटर मूत्र में गर्म करो, और इतना गर्म करो कि खूब उसमें उबाल आ जाए, फिर ठंडा कर लो, फिर जितने पत्ते डाले थे उनको अच्छे से निचोड़ दो, तो ये दवा तैयार हो गई। अब इसमें 200 लीटर पानी मिलाकर इस दवा को छिड़क दो तो सब कीड़े 2 दिन के अंदर खत्म हो जाए। हर एक फसल पे आप इसे डाल सकते हैं। तो खाद बनाने का और कीटनाशक बनाने का, ये दोनों काम हर किसान घर में ही करें तो देश का कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए हम बचा सकते। ये बात मैंने बताई थी टेलीविजन चैनल पर। वैसे इस पर और भी बहुत सारी बात है, लेकिन मुख्य बात ये तो है। अब आगे चल रहे एक आखिरी प्रश्न है आपका, भ्रष्टाचार। हमारे भारत में भ्रष्टाचार बहुत है, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे भारत देश के भ्रष्टाचार के बारे में सारी दुनिया के देश ये कहते हैं कि भारत सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश है दुनिया में। इस समय 200 देश है, 200, उनमें सबसे भ्रष्ट देशों में भारत 3rd नंबर पर। सबसे पहला नंबर का भ्रष्ट देश है पाकिस्तान, सबसे ज्यादा 2rd नंबर का भ्रष्ट देश है बांग्लादेश, और 3rd नंबर का सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश है भारत। और अगर ध्यान से देखोगे तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये एक ही परिवार है। ये तो 1947 में कुछ नेताओं की मूर्खता से बंटवारा हो गया, वरना तो ये एक ही। तो हमारे देश में बहुत भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार में इतना भारत का धन बर्बाद होता है कि भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं, हमारे यहाँ जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो वो ये कहा करते थे कि जब किसी गरीब आदमी के लिए दिल्ली से 1 रुपया भेजा जाता है तो गरीब आदमी के पास